नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चे की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नरोलिया भी विशेष तौर पर मौजूद रही। प्रदेश भर की महिलाएं कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। बैठक में सभी महिलाओं को लोकसभा चुनाव में जी जान से जुट जाने के लिए बीजेपी संगठन ने आह्वान किया है। साथ ही हर बूथ पर 370 वोट कैसे बने उसको लेकर भी उन्हें यहाँ पर विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस बैठक के बाद बाहर निकली माया नरोलिया ने प्रभा साक्षी न्यूज़ से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार जो है कि 400 पार होने जा रहा है, 370 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने किया है और एनडीए के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके संगठन ने जो भी कार्य महिला मोर्चे को दिया है उसको निभाने के लिए वो तैयार है। महिला मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं आज अपना जो अनुभव है वो लेकर प्रदेश भर में जाएंगी और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुटती हुई नजर आएंगी। आधी आबादी को साधने का प्रयास नहीं, आधी आबादी सदी सदाई है। पूरी आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हम फिर से मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा महिला मोर्चा प्राण पण से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर पहुंचेगा और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम महिला मोर्चा करेगा। क्या कुछ टास्क दिए हैं वहाँ बैठक में संगठन ने? संगठन ने तो हमेशा, हमारा संगठन तो सक्रिय रहता है। महिला मोर्चा को आगामी कार्यक्रम है लाभार्थी संपर्क, वरिष्ठ बुद्धिजीवी प्रभावशाली बहनों के संपर्क करना है हम लोगों को, एनजीओ स्वास्थ्य समूह के शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम करना है। सबसे पहला लक्ष्य हमारा महिला मोर्चा का 100% वोट, महिलाओं का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए मिलकर 400 पार हों, ये हमारा लक्ष्य है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।